लिम्रा न्यूज़, हम दिखाते हैं सच। देश प्रदेश की सभी सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिम्रा न्यूज़। कल जो घटना पत्रकार साथियों के साथ हुई है, ये विधानसभा में ये परंपरा रही है कि पत्रकार और पत्रकारिता से जुड़े जितने लोग हैं समय समय पर लॉबी में मिलते थे, और जब कभी भी आंदोलन या विपक्ष को अपनी बात कहनी होती थी तो चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर खड़े होकर के अपनी बात कह करके सदन में आते थे। ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या, संविधान की धज्जियां और जो प्रेस की आज़ादी है उस पर भी अंकुश लगा रही है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और दूसरी, आज सुबह से लेकर के लगातार फोन आ रहे हैं और एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कानपुर देहात के जिन परिवार के साथ घटना हुई, माँ बेटी जिनको जला दिया गया, सरकार के प्रशासन के इशारे पर बुलडोजर चला, जान चली गई, उसके भाई का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कपड़े उतार दिए हैं और नंगा कर करके पुलिस खड़ी कर रही है। अगर अर्धनग्न किसी के भाई को खड़ा कर देंगे, किसी के बेटा को खड़ा कर देंगे, ये कहाँ का लोकतंत्र है? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्यों ऐसा कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ये व्यवहार क्यों ऐसा कर रही है? इनकी सरकार में अधिकारियों पर अंकुश क्यों नहीं है? अधिकारियों को ये खुली छूट क्यों दी है? जो भाई, जो बेटा, जो पिता का पुत्र इस तरीके से अर्धनग्न किया गया है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर रही है जिन्होंने बुलडोजर चलाया, माँ बेटी की जान ले ली, उन वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी इन बातों को नहीं जानते हैं कि दुनिया में जब कोई पुलिस के माध्यम अर्धनग्न कर दिया जाएगा, अगर पुलिस ये काम करने लगे, अधिकारी ये नंगा करने लगे, तो कहां से निवेश आएगा? और निवेश आने की बड़ी बड़ी बातें जो सरकार कर रही है, पहले सरकार को ये बताना चाहिए कानपुर देहात में, कानपुर में या पूरे उत्तर प्रदेश में कौन सा निवेश ये सरकार लेकर के आई है। सरकार ये बताए निवेश कौन सा लेकर के आई है।